सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध ग्रह जो है वृष राशि में जो है अब राशि परिवर्तन करेंगे। इससे पहले ये तुला राशि में चल रहे थे, तो वृष राशि में जो है 21 नवंबर को सुबह 4:50 पर इनका राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि सूर्य जो है 16 तारीख को वृष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अब बुध भी वृष राशि में जा रहे हैं। तो बुध लगभग 20 से 22 दिन रहेंगे, तो सूर्य और बुध का एक साथ होना ये बहुत अच्छा है कि वृष राशि वालों के लिए एक अच्छे राजयोग का निर्माण होगा। तो सूर्य बुध एक साथ होने से बुधाति योग नामक ये योग जो है इनकी कुंडली में बनेगा, जिसके कारण वृष राशि वालों की कुछ जो कार्य में दिक्कत आ रही थी वो दूर होगी। तो वृष राशि वालों के लिए ये समय बहुत उत्तम रहेगा और इस दौरान जो है कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो उसमें भी इन्हें सफलता मिलेगी। बुध ग्रह को जो है राजकुमार ग्रह कहा गया है। ये संवाद, भाषण, आवाज़, व्यवसाय, लेखन, बुद्धि और तर्क शक्ति के कारक ग्रह कहे गए हैं। खासकर इन्हें बुद्धि का अधिकार प्राप्त है, क्योंकि बुध ग्रह मजबूत होने से किसी भी व्यक्ति की जो है मानसिक संतुलन काफ़ी स्थिर और काफ़ी मजबूत अवस्था में होता है। और बुद्धि के देवता होने के साथ साथ ये वाणी के भी देवता है। इन्हें तर्क शक्ति का भी कारक ग्रह कहा गया है। सूर्य जो है 16 तारीख को प्रवेश करेंगे तो बुध 21 नवंबर को प्रवेश करेंगे और दोनों ग्रह जब एक साथ वृष राशि में रहेंगे तो वृष राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान जो है इनके कार्य में तरक्की होगी। जो कार्य में अभी तक बाधाएं आ रही थी वो दूर होगी और जो हर तरह की बाधाएं वो दूर होगी। और यदि इस दौरान आप कोई नया कार्य या नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी जो है आपको लाभ होगा। वृष राशि के स्वामी जो है मंगल ग्रह हैं और वृष एक जल तत्व राशि है। इस दौरान हालांकि वृष राशि वालों को त्वचा से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ त्वचा के रोग जो है आपको परेशान कर सकता है। और यदि कोई काम करेगा, यदि आप कोई निर्णय इस दौरान लेना चाह रहे हैं तो निर्णय लेने में आप बहुत सक्षम होंगे और आपके द्वारा लिया गया निर्णय जो है काफ़ी सराहनीय होगा। सूर्य और बुध की युति जो है एक राजयोग का निर्माण जो कर रही है ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके आपके जो व्यापार में आने वाली समस्या है वो भी समाप्त होगी। आप यदि इस दौरान कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और साथ ही यदि कोई नौकरी को लेकर कोई टेंशन है, तनाव है, तो वो भी वृष राशि वालों के लिए जो है अब सही हो जाएगा। हालांकि केतु यहाँ उच्च होकर चल रहे हैं मगर केतु से इतना प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य बुध एक साथ होने से जो है खुद ब खुद जो राजयोग बन रहा है उसके कारण जो है आपके कई काम सिद्ध हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं पहले से ही, यदि इसमें आपको कोई समस्या आ रही थी तो उस क्षेत्र में भी जो है अब समय आपका अच्छा रहेगा। आपकी जो है कार्य में तरक्की होगी, कार्य क्षेत्र आपका अच्छा होगा और यह आपकी जो है प्रबंध क्षमता है वो भी काफ़ी मजबूत नज़र आएगी और इस दौरान जो है आप काफ़ी सकारात्मक रहेंगे। तो आज आप लोगों ने जाना बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।